अपना ध्यान रखना, फोन करना, अपना हाल चाल बताते रहना। दादाजी बस करिए, हम सिर्फ एक दिन के लिए जंगल सफारी जा रहे हैं, सुबह जाके रात तक वापस आ जाएंगे। फिर भी चिंता तो होती है ना बेटे। सॉरी दादाजी, जब आप मुझे बेटा कहते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि मैं सचमुच इंसान हूँ। तुम मेरे लिए इंसान ही हो वीर, मेरे जिगर के टुकड़े हो। लो अब नाश्ता कर लो। वीर, मैं तुमसे एक बार भी नहीं कहूंगा कि मुझे अपने साथ जंगल सफारी ले चलो, क्योंकि तुम मना कर दोगे, इसीलिए मैं और जिंटू खुद ही वहाँ जा रहे हैं। बाय। अगड़म बगड़म आलम फालम। रुको, रुको, ये अगड़म बगड़म बंद करो। मालम। रुको चुलबुल। हमसे पैसे मांग रहा है हाँ? हम पैसे देते नहीं, लेते हैं। चोर, चोर, वो मेरे रुपए ले गए। तुम बस में जाके बैठो, मैं अभी आया। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। रुक जाओ, उस दुकानदार के पैसे वापस करो। ये वीर कहाँ चला गया? सर, वो आता ही होगा। कक्कड़ सर, एक बार उसे छोड़ के आ जाएंगे तो दोबारा लेट नहीं होगा। बस ड्राइवर, बस चलाओ। सर, सर। मेरे पैसे। थैंक यू रोबो बॉय। मिस्टर कक्कड़, नेक्स्ट टर्निंग पे वीर आपका वेट कर रहा है, उसने लेट आने के लिए सॉरी बोला है। रोबो बॉय, मेरा नाम क्या था? रोबो बॉय। बॉस, बॉस, वीर स्कूल की तरफ से जंगल सफारी जा रहा है। बॉस, उसके स्कूल वाले कितने अच्छे हैं, और एक आप हैं, आप हमें कभी कहीं नहीं ले जाते। तुम हमेशा छोटा ही सोचते हो, मेरे तेज दिमाग में उससे भी तेज आइडिया आ रहा है। हम सब जंगल सफारी जाएंगे। मोना, तुम्हें आज बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है। चलो बच्चों, यहाँ लंच ब्रेक करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कहा है वैसा ही करो, और मैं लाफिंग गैस को लेकर तैयार हूँ। ओके। कैसे हो शेरू बेटा? कौन हो तुम? अपनी बिल्ली मौसी को नहीं पहचाना? पहचानोगे भी कैसे, इतने छोटे से थे जब मैं शहर चली गई थी। अच्छा सुनो, जल्दी से दरबार लगाओ, इंसानों ने तुम लोगों के खिलाफ कोई प्लान बनाया है। सब जानवरों को एक साथ बताना जरूरी है। चलो सबको बुलाओ जल्दी। सबको खबर कर दो, दरबार लग रहा है। अब बताओ बिल्ली मौसी, क्या बताना चाह रही हो? म्याऊं। सुनो, एक इंसान आएगा और तुम सबको पकड़ के ले जाएगा। म्याऊं। म्याऊं।
बिल्ली मौसी कौन पकड़ लेगा? कैसे कैसे पकड़ ले? ये उनकी करतूत है, जल्दी जाओ उस गेम में छुप जाओ, इंसान आगे ही होंगे। इतना टेंशन है, हम लोग हंस क्यों रहे हैं? जल्दी से छुप जाओ वरना इंसान आ जाएंगे और हमें पकड़ लेंगे। हाँ बॉस, काम हो गया बॉस, सब जानवर पकड़े गए बॉस। वीर आएगा और हमारा शिकार हो जाएगा। तुम लोग इस तरह क्यों हंस रहे हो? कभी गधा नहीं देखा क्या? एक आदमी मास्क लगा के आया, कोई गैस स्प्रे कर गया और बिल्ली मौसी सब जानवरों को ट्रक में पकड़ कर ले गई। कोई सब जानवरों को पकड़ के ले गया है, जल्दी चलो वीर को बताते हैं। इतनी देर हो गई, कोई भी बड़ा या अच्छा जानवर नहीं दिखा है। वीर, सब एनिमल्स को कोई लाफिंग गैस डाल के पकड़ के ले गया है, ये काम किसी बिल्ली और एक आदमी ने किया है। मैड मैक्स, उसी के पास बिल्ली है, उसने लाफिंग गैस का इस्तेमाल किया होगा। चिंटू, तुम यहाँ मेरा रूप लेकर इमली के साथ रहो, मैं अभी आता हूँ। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। मदद करनी पड़ सकती है, चलो वहीं चलते हैं। सर, मुझे अभी एक दोस्त का फोन आया है, सब जानवरों को ट्रक में पकड़ के कुछ लोग ले जा रहे हैं। क्या? ओह नो, तभी मैं कहूँ कि कोई जानवर क्यों नहीं दिख रहा है। मैं शक्का, जल्दी सबको बस में बैठाइए, इमरजेंसी है। All robots ready. Robo Boy is coming. Thank you.
बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दम आदम, सब जानवर ठीक हो जाए और हमारे साथ दोस्त जैसे पेश आए। थैंक यू रोबो बॉय। बाय रोबो बॉय। वीर, इमली और लो। बस दादाजी, बहुत खा लिया। जिंटू को तो पूछिए, उसकी भूख तो कभी खत्म ही नहीं होती। मैं तो दादाजी के ही पकवान खाऊंगा। दादाजी, कब बना रहे हो पकवान? जब बनाऊंगा तो तुम्हें सबसे पहले बुला लूंगा। दोस्तों, आज दिवाली है, रात में कौन कौन से पटाखे जलाएंगे? मुझे तो सिर्फ रोशनी वाले पटाखे जलाने हैं, आवाज वाले पटाखे मुझे अच्छे नहीं लगते। वीर, आज दिवाली है, ये लो पैसे और पटाखे ले आओ। थैंक यू दादाजी। मैं काल हूँ, काल नहीं विकराल हूँ। ये पटाखे मैं चलाऊंगा, रात को तुम सब आके देखना। मेरे पटाखे वापस दो। ए, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। बंटी, इसके पटाखे वापस कर दो अभी। ए, तुम अपना काम करो वरना विक्रांत को गुस्सा दिलाया तो तुम्हें खत्म कर देगा। इतना बड़ा रॉकेट, ये तो मैं ही चलाऊंगा, तुम अभी बहुत छोटी हो। ओ नो, ये जिंटू भी ना। बॉम्बे! जिंटू, ये जादू बंद करो। नहीं बंद करूंगा जब तक उसे सबक नहीं मिल जाता। ओके, तो फिर ठीक है, हम दोनों मिलके उसे सबक सिखाते हैं। तुम इतनी देर से क्यों आए? बहुत लापरवाह होते जा रहे हो, कोई काम टाइम पे नहीं करते। अच्छे लड़के बनो। आई एम वेरी सॉरी। लाओ, मैं ये रॉकेट निकाल देता हूँ। जल्दी निकालो, मेरी बैग जल रही है। बचाओ रोबो बॉय, बचाओ। हाँ, मैं अपना काम ठीक से नहीं करता, मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ। तुम ही एक अच्छे लड़के हो। आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब घर जाके सोचूंगा कि अच्छा लड़का कैसे बना जाए। बाय बाय, उसके बाद लोगों को बचाऊंगा। बाय। क्या कर रहे हो, पहले मुझे तो बचाओ फिर सोचना। नहीं नहीं, पहले ये बताओ अच्छा लड़का कैसा होता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। अरे, अच्छा लड़का वो होता है जो दूसरों को सताए ना, परेशान ना करे, जैसे तुम हो, और बुरा लड़का मेरे जैसा होता है। बचा लो प्लीज, बचा लो। मैं तुम्हें एक शर्त पे बचाऊंगा, फिर कभी किसी को नहीं सताओगे ना, वरना देखो वो मगरमच्छ तुम्हें खाने के लिए तैयार है। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज, आई प्रॉमिस, फिर कभी किसी को नहीं सताऊंगा, प्लीज बचा लो, बचा लो, बचा लो। ओके, आओ, पर अपना वादा याद रखना, अगर भूले तो। ए, शर्म नहीं आती तुम्हें? रोबो बॉय होके मुझे ब्लैकमेल करते हो, अच्छा लड़का बनने को मजबूर करते हो। देख लूंगा तुम्हें, बंटी को सलाह देते हो। ये कभी नहीं सुधरेगा। दादाजी, मैं ये मिठाई टेस्ट करके बताऊं कैसी बनी है? नहीं, अभी नहीं, तुम एक बार खाना शुरू करोगे तो रुकने का नाम नहीं लोगे। दादाजी, थोड़ा सा खाने दो ना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, प्लीज। जिंटू, पहले मेरा एक काम कर दो,
मुझे एक ऐसा मजबूत टेप दो जो ना खुले ना टूटे ना ही किसी जादू से हटे जब तक मैं ना चाहूँ। अकड़म बकड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। जिंटू अब तुम दादाजी के पकवान नहीं खा सकते, रात तक इंतजार करो। ओके जी, ये सरासर चीटिंग है। तुम तो एक अच्छी लड़की हो, फिर तुम ये चीटिंग कैसे कर सकते हो? प्लीज ये टेप खोलो। ओके खोल दूंगा, पर एक शर्त पे। जब तक पूरे पकवान नहीं बन जाते तुम दादाजी को तंग नहीं करोगे, बाहर जाके एक अच्छे बच्चे की तरह खेलोगे। ओके 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 अब खोलो भी। अरे सुनो, रोबो बॉय सब बच्चों को दिवाली की बधाई देने फुर्सत गंज चौक पे आज शाम आ रहा है। ये! चलो रोबो बॉय से मिलेंगे। आज शाम रोबो बॉय सब बच्चों को दिवाली विश करने फुर्सत गंज चौक में आएगा। उसने खुद ये लीफलेट्स बांट के सबको संदेश दिया है। रोबो बॉय बच्चों को दिवाली विश करेगा। मैं करने दूंगा तब ना। टिम्बक्तु। टिम्बक्तु, ये सब क्या हो रहा है? बॉस बॉस, आज दिवाली है, हम मिठाई बना रहे हैं। बॉस, मेरे फाइटर रोबोट्स को तुमने हलवाई बना दिया है। बंद करो ये सब। और सुनो, आज शाम रोबो बॉय बच्चों को दिवाली की मुबारकबाद देने फुर्सतगंज चौक पे आ रहा है। उसे मेरा फिशरमैन रोबोट रोकेगा। वीर की जगमग दिवाली की रात को काली रात में बदल देगा ये। रोबोट, मैं तो एक मामूली इंसान हूँ। वीर द रोबो बॉय बहुत शक्तिशाली है। क्या तुम किसी शक्तिशाली इंसान को भी ऐसे ही फंसा सकते हो? अच्छा, मेरे बॉस बहुत शक्तिशाली हैं। पहले उन्हें फंसा कर दिखाओ। टिम्बक्तु! दे ताली पे ताली, हैप्पी दिवाली। दे ताली पे ताली, हैप्पी दिवाली। एक बार फिर तुम सबको ए वेरी हैप्पी दिवाली। जाते जाते एक बात कहूँगा कि नॉइसलेस पटाखे छोड़ो और इको फ्रेंडली पटाखे अपनाओ। एंजॉय, हैव अ ब्लास्ट। पटाखों की फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड बुला। हेल्प, अंदर कई लोग हैं। Yeah.
बचाओ, बचाओ रोबो बॉय, मुझे इससे बचाओ। रुक जा फिशरमैन, वीर का अंत मेरे ही हाथों लिखा है। बाय बाय वीर, दे ताली पे ताली, हैप्पी दिवाली। ओ सॉरी, तुम तो ताली देने की पोजीशन में भी नहीं हो। एनीवे, हैप्पी दिवाली वीर। कम ऑन फिशरमैन। फैक्ट्री में है, मेरे पापा को बचाने गया है। अंदर कहाँ है? अंदर तो रोबो बॉय है, तो ये वीर वीर क्यों चला रहे हैं? मेरा वीर अंदर है, उसे कोई बचाओ। क्या, वीर ही रोबो बॉय है? मैं तो पहले ही कहता था, कोई मेरी सुनता ही नहीं। सोचा नहीं, मैं ठीक हूँ। दरअसल हुआ ऐसा कि और जैसे ही फिशरमैन, रोबोट और टिम्बक्टू बाहर चले गए, मैग्नेटिक पुल ऑन। मैग्नेटिक पुल ऑन। रोबो बॉय जल्दी करो प्लीज। थैंक यू रोबो बॉय। यू आर वेलकम। हे रोबो बॉय, सबको पता चल गया है तुम वीर हो। जस्ट इमेजिन, रोबो बॉय हमारा पड़ोसी है और हमें पता ही नहीं। हाँ वीर, बोलो क्या काम है? इन सबको पता चल गया है कि वीर ही रोबो बॉय है। इन सबको ये सब भुला दो। ओके दोस्तों, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। हैप्पी दिवाली। दे ताली पे ताली, हैप्पी दिवाली। तुमने कहा रोबो बॉय खत्म हो गया, लेकिन टीवी में न्यूज आ रही है कि वो बच गया है और उसने फैक्ट्री में सबको बचा लिया। सॉरी बॉस, लेकिन कब तक बचेगा? लो, ये मिठाई टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। आज हम दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। मेरे रोबोट्स को हलवाई मत बनाओ। मैंने फैसला कर लिया है, इस बार फुर्सतगंज में कोई दिवाली नहीं मनाएगा। इस बार फुर्सतगंज में रोशनी नहीं, अंधेरा होगा। और ये दिवाली वीर की आखिरी दिवाली होगी। और मेरा ये काम क्राइंग रोबोट करेगा। क्राइंग रोबोट। ये तो खुद रो रहा है, ये किसी और को क्या रुलाएगा? इसमें कौन सी खूबी है बॉस? खूबी वहाँ देखो, जहाँ रोबोट के आंसू गिर रहे हैं। You're genius, boss. Meow. She is right, boss. She is right. ये कैसी बकवास रंगोली बनाई है? एकदम
बकवास। क्या कर रहे हो? इतनी मेहनत से बनाई थी। इसमें मेहनत का क्या काम है? इससे सुंदर रंगोली तो मैं चुटकियों में बना दूं। मेरे पास स्टेंसिल है, सिर्फ उसे रखना है और उसके बीच में रंग डालना है, तो हो गई रंगोली तैयार। बंटी, तुम बना के दिखाओ, देखते हैं तुम कैसी रंगोली बनाते हो। उफ़, ये हवा ने सब बिगाड़ दिया, फिर से बनाता हूँ। नो, फिर से बनानी पड़ेगी। ये हवा मेरी ही रंगोली के पीछे क्यों पड़ी हुई है? ये हवा रंगोली के पीछे नहीं, तुम्हारे पीछे पड़ी है। ये कौन बोला? भूत, भूत। ये हम बोल रहे हैं। फिर कभी दूसरों की रंगोली का मजाक नहीं उड़ाना। रंगोली घर को सजाने के लिए होती है, मजाक उड़ाने के लिए नहीं। आई बात समझ में? रंगोली, अरे बाप रे, रंगोली का भूत। सॉरी, मैं फिर कभी मजाक नहीं उड़ाऊंगा। वो क्या है? हाँ, वो कंदील तो पूरे फुर्सतगंज की बिजली खींच रहा है। सॉरी, डोंट माइंड। फुर्सतगंज के लोगों, अब फुर्सतगंज में अंधेरा ही अंधेरा होगा। नो रोशनी, नो दिवाली, नो उजाला। फुर्सतगंज में दिवाली मनेगी, जरूर मनेगी। दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। ये अंधेरा खत्म होगा, फुर्सतगंज जगमगाएगा। तुम क्यों रो रहे हो? सॉरी, डोंट माइंड। ओहो, ओए, ये बिजली कैसे आएगी? अब तो रोबो बॉय का ही सहारा है। जिंटू, जल्दी करो, फुर्सतगंज में रोशनी कर दो, वीर उससे निपट लेगा। अभी लो, अगड़म बगड़म आलम फालम, इकड़म तिकड़म दम दमादम, हर घर हो जाए रोशन। अरे, इतनी सारी कंकड़ कहाँ से आ गई? Sorry, don't mind. Yeah! अब फुर्सतगंज के इस बहादुर को वहीं ले चलो, जहाँ इसकी दिवाली मनानी है। Yeah!
मैं भी नहीं। आई एम ग्लैड, वेरी वेरी ग्लैड। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम।